नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महाभारत कालीन नकुल और सहदेव की शक्तियों के रहस्य के बारे में। आखिर क्या है इनकी शक्तियाँ, तो क्या है इनके रहस्य, चलिए जानते हैं दोस्तों। महाभारत में कई घटना संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवंत है और चाहे वह कौरव हो, पांडव हो, कर्ण और कृष्ण हो या कृपाचार्य। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं का सीमित नहीं, महाभारत से जुड़े साप वचन और वचन और आशीर्वाद से भी रहस्य छुपे हैं। पांच पांडवों से दो नकुल और सहदेव दोनों की मादरी अश्विनी कुमार के पुत्र थे, लेकिन उनको पांडु पुत्र माना जाता है क्योंकि मादरी पांडु की पत्नी थी। धृतराष्ट्र के बड़े भाई पांडु थे। पांडु को साफ था कि वह जब भी अपनी पत्नी कुंती या माद्री के साथ अहवास करेंगे तुरंत ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए कुंती को प्राप्त मंत्र शक्ति के बल पर चार पुत्र उत्पन्न हुए और वही मंत्र विद्या माद्री उन्होंने बताई, जिसने उनको दो पुत्र हुए। इस तरह दोनों को छह पुत्र मिले। इससे एक कर्ण भी थे। सहदेव ने द्रोणाचार्य से ही धर्मशास्त्र चिकित्सा अलावा ज्योतिष विद्या सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली और कौन कौन सी किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे साथ दिया था कि अगर वह इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव की कुल चार पत्नियां थीं, द्रौपदी, विजया, भानुमति और जरासंघ की कन्या। माना जाता है कि सहदेव अच्छे रथ योद्धा भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।